इस शो में मैं लकी प्ले कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक रेसलर का रोल प्ले कर रहा हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आफ्टर सुल्तान और जो भी यू नो पिक्स चल रहे हैं, कि मुझे एक मौका मिला है, कि मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे को ऐसा रोल प्ले करने का मौका मिला है। और जैसा कि मेरे रियलिटी शोज़ में एक एटीट्यूड रहा है यू नो कि मैं बिंदास रहा हूँ बिंदा, तो ये भी काफ़ी कनेक्ट करता है उससे यू नो कि इसमें भी मैं एक नाम चेंज है लकी है, बट यू नो सेम प्रिंस करेक्टर ही है। सो तो इसमें काफ़ी मैंने डायलॉग्स भी लिए हैं ऐसे ऐसे कि लकी का स्वैग से प्रिंस का स्वैग से, कि सिर्फ नाम बदला है, काम से तो मैं प्रिंस ही हूँ यू नो। तो मैं काफ़ी कनेक्ट कर रहा हूँ अपने शो से। और यू नो मेरा ट्रिब्यूट है ये सलमान सर को, सुल्तान के लिए, कि जो उन्होंने की, हमने कोशिश की है कि हम उसकी तरह कुछ कर पाएँ और इस अपने सीरियल को भी उतना हिट कर पाएँ। अभी तक आपको रियलिटी शो में देखा था हमने, और पहला फिक्शन शो है आपके लिए, तो कितने एक्साइटेड है इस शो को लेकर? आई एम वेरी एक्साइटेड यू नो। एक्चुअली आफ्टर रियलिटी शो सबको लगता है कि मैं रियलिटी शोज़ करता रहूँगा, ऐसा नहीं था। मुझे वो बैक टू बैक शोज़ आ रहे थे तो मुझे करने पड़े, और मैं वो यू नो भगवान की आशीर्वाद है कि मैं जीतता भी रहा हूँ। सो उसके बाद लोगों ने बोला कि फिक्शन कब करो, फिक्शन कब करो। मुझे सीरियसली मेरे को सास बहू नहीं करना था, मेरा वो एटीट्यूड नहीं है, या लोग मुझे वैसे नहीं देख पाएंगे कि मैं एक सास बहू में शादीशुदा हो जाऊँ, बच्चे हो जाएँ मेरे, तो मुझे नहीं करना था अभी। सो जैसे मैंने इस शो को सुना, इसकी स्टोरी इतनी अलग थी कि मैं रोक ही नहीं पाया खुद को यू नो कि मुझे और रेस्टर प्ले करना है, और एक यूथ शो है, लोग कनेक्ट करेंगे मेरे साथ, और जैसा मैं रहता हूँ वैसे ही मुझे अंदर रहना है। सो मेरा रीज़न था सिर्फ ये स्टोरी। आई थिंक हम अपनी मेहनत कर रहे हैं यू नो, ये अपने साइड से, मैं अपने साइड से, कि यू नो कि हम एक शो को उस लेवल पे ले जाएं कि अभी तक जो लोगों ने देखा है ऐसा शो ना देखा हो यू नो, कि मैं एक्टिंग के लिए, चाहे वो स्टंट्स के लिए हों, चाहे वो कुछ, हम वो सब रियल कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं। चाहे हमें एक दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 50 दिन लगे, हम उसमें पूरी तरह उतर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मैं एक रेसलर को प्ले कर रहा हूँ तो मैं जस्टिस दे पाऊँ उसको, ताकि लोग देख रहे हैं ये ना कहें कि इन्होंने कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमें जितने चेंजेस खुद में लाने पड़ रहे हैं, बॉडी में हो चाहे किसी में भी, हम वो लेकर आ रहे हैं। सो हमारा यही है कि हम ये शो को हिट करवा पाएँ। कई बार लोग नाम से ये सोच लेते हैं कि बड़ो बहु नाम है शो का, तो कहीं ना कहीं सास बहु शो से कंपेयर जी बिल्कुल उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल मैं बोलूँगा कि नाम पर मत जाना, ये शो का नाम बड़ो बहु क्योंकि हरियाणवी शो है, वहाँ पर यू नो लाइक जो थोड़े हैवी होते हैं उनको बड़ो बोला जाता है। तो ये एक यूथ शो की तरह है, एक ऐसा शो है कि सब देखेंगे और रोज़ कुछ नया देखेंगे, और ये उनको एक्साइटमेंट होगी कि नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अभी कल क्या होगा, कल क्या होगा। सो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे वो रोल प्ले करने का मौका मिला है कि जो मैं चाहता था। थैंक यू। सर, थैंक यू।